फाइनली यहाँ पर जो जॉन इब्राहिम की वेदा मूवी है ना उसका अर्ली रिव्यू आ चुका है, मतलब फर्स्ट रिव्यू आ चुकी है, क्योंकि भाई ये जो मूवी है ना मिडिल ईस्ट में एक दिन पहले रिलीज हो गई है, कहीं कहीं पर रात पे भी सोए तो वहां पर जो बंदे देख रहे हैं ना इस मूवी को तो वहां से रिव्यू निकल के आ रहा है। तो कुछ कुछ मतलब लोग बता रहे कि अच्छी मूवी है, कुछ बता रहे मतलब एवरेज मूवी है, कुछ बता रहे भाई सब नॉर्मल मूवी है। तो मेरे हिसाब से ये जो मूवी एज पर द जिस तरीके से रिव्यू आ रहे हैं ट्विटर पर अगर उस तरीके से देखें तो एज ये मूवी एक डिसेंट और एवरेज मूवी है, जहां पर आपको सब चीज नॉर्मल देखने को मिले, कोई चीज ज्यादा हाइप पे नहीं देखने को मिला। जो अक्षय को सॉरी जॉन इब्राहिम की जो एक्टिंग है ना वो भी आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी, और वो पुराना वाला परफॉर्मेंस जिस तरीके से वो हर मूवी के अंदर करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बाइक उठाते हैं, फाइटिंग करते हैं, वो सारा चीज़ आपको सेम देखने को मिले, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, इसके अंदर जो सावरी है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉकिंग दे सकती है। उसके बाद तमन्ना भाटिया का भी बताया जा रहा है कि एक ट्विस्ट है इस मूवी के अंदर, अब वो क्या ट्विस्ट है जब मूवी आएगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बोलूँ तो ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ रिव्यूज़ आ रहे हैं ना वो एवरेज आ रहे हैं कि हाँ एवरेज मूवी है, ओके ओके मूवी, आप इसको देख सकते हो और टाइम नहीं है तो भाई साहब आप नहीं भी देख सकते हो। तो इस तरीका का एवरेज आ, देखो जो ट्रेलर देखा था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, एक्सपेक्टेशन भी है और भाई होप करते हैं कि भाई इस मूवी की जो कहानी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सच बताओ जॉन इब्राहिम जो है ना वो भाई बंदा मेहनत करता है भाई। पठान में जिस तरीके से उसको देखा ना एक्टिंग करते हुए, सच बता रहा हूँ भाई उस बंदे के अंदर वो जुनून है। लेकिन एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये लगता है कि भाई वो जो भी एक्टिंग करता है जिस भी फिल्म में जाता है ना भाई वो सेम अपना परफॉर्मेंस सेम एटीट्यूड रखता है। देखो तुम पठान में उठा के देख लो वही एग्रेसिव वाला मूवमेंट था, अब यहाँ पर वेदा में भी देख लो तुम वही चीज इसके अंदर है, मतलब सेम चीज पे पैटर्न पे ये काम करते। थोड़ा सा इनको डिफरेंट ट्राई करना, जैसे भाई वेलकम मूवी आई थी तो इन्होंने कॉमेडी में ट्राई किया था भाई, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शूट भी हुए थे थोड़े बहुत, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि भाई हमेशा एक्टर को अपना जो चेंज करना चाहिए कि भाई अगर आप कॉमेडियन है तो थोड़ा एक्शन में ट्राई करो, उसके बाद से रोमांटिक में मतलब रोमांस में ट्राई करो, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। तो देखो एज पर द ट्विटर का जो रिव्यू है उससे तो ये पता चला है कि ये मूवी खराब नहीं है, मतलब चलने लायक है। लेकिन भाई ये मसला है कि स्त्री के सामने ये मूवी या खेल खेल मूवी चल पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। तो फाइनली कल मूवी देखते हैं तो आपसे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मूवी कैसी है। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।